पुलिस प्रशासन से भिड़ गए हैं आपकी नजरों के सामने कि लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग हो गया और बैरिकेडिंग किस तरह से हटाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ। और ये देखिए किस तरह से छात्र जो है, छात्र लाठीचार्ज। देश में अपने ही राज्य में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा तो उसमें डरने की बात कहाँ से आती है। नारेबाजी हो रही है, ये देखिए। जिस तरीके से मोदी सरकार छात्रों पे लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, उनका दमन कर रही है, इससे कोई भी डरने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी डरने वाला नहीं है, गिरफ्तार कर लें जो कर लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह से अगली पांच कैंप को सेना को ठेका में करने का काम ये करती है। दोनों तरफ छात्र ही छात्र आपको दिखेंगे, ये नजारा है। पुलिस प्रशासन बुला रही है इसके बावजूद। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए जेपी गोलंबर के पास हम पहुंचे हुए हैं और जो छात्र आज प्रदर्शन कर रहे थे वो किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन से भिड़ गए हैं आपकी नजरों के सामने कि लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग हो गया और बैरिकेडिंग किस तरह से हटाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की मौजूद है वो आपको दिख रहा होगा। देखिए आज जो है वो छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे विधानसभा को लेकर और अग्निपथ का विरोध कर रहे थे, लेकिन देखिए क्या कुछ हो रहा है जेपी गोलंबर के पास। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन से जो छात्र हैं वो भिड़ रहे हैं, सिटी एसपी भी मौजूद है। और ये देखिए किस तरह से छात्र जो है, छात्र लाठीचार्ज कर रहे हैं, मतलब कि छात्र। अब देखिए गाली गलौज का होने लगा। और यहाँ पे देखिए किस तरह से माहौल बना हुआ है, जो माहौल है मतलब देखिए जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च निकाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी भारी मात्रा में मौजूद है, हम आपको वो दिखाएंगे। देखिए जेपी गोलंबर के पास हम मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तैनात है। देखिए पुलिस प्रशासन जो फोर्स है जो उतरी हुई है वो आपको दिख रही होगी, लेकिन जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से भिड़ रहे हैं, देखिए पीछे जाने को तैयार नहीं है। देखिए जेपी गोलंबर के पास आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो फोर्स है पूरी फोर्स उतरी हुई है, लेकिन एक तरफ आपको छात्र दिख रहे होंगे। देखिए छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो मार्च निकाले थे वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं, साफ कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन आपको दिख रही होगी, सब लोग यहाँ दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरे जोश में आए हुए हैं और आगे जाने को कह रहे हैं क्योंकि इनको जाना है विधानसभा। जी हाँ, देखिए डफली बजा बजा के प्रदर्शन कर रहे हैं और अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, अग्निपथ का विरोध हो रहा है यहाँ पे। पूरा जो पटना का छात्र है वो आज पहुँचा हुआ है जेपी गोलंबर। देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सब लोग जो हैं वो पूरे गुस्से में नजर आ रहे हैं। सब लोग विधानसभा जाने के लिए मार्च निकाले। देखिए नारेबाजी हो रही है और पुलिस किस तरह से, देखिए वाटर कैनन भी आ चुका है और किस तरह से पुलिस मौजूद है यहाँ पे। पूरा जो फोर्स है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, समझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो मान नहीं रहे। तो विधानसभा जा रहे थे, पुलिस प्रशासन रोक दिए। जी अब देखिए अभी प्रशासन ने यहाँ रोक दिया है, लेकिन हमारी मांग लगातार जारी है कि हम विधानसभा की ओर बढ़ना चाहते हैं। और जो हमारी मुख्य गुस्सा आक्रोश क्यों, देखिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन लगातार छात्रों पर दबिश बनाती है, FIR कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। क्या इस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई, इतना फोर्स देख के डरने की कौन सी बात है? अगर कोई अपने ही देश में अपने ही राज्य में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा तो उसमें डरने की बात कहाँ से आती है? आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए और हम तमाम छात्रों से अपील, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनों में शामिल हो और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। प्रशासन एक तरफ है और एक तरफ नारेबाजी हो रही है, ये देखिए। छात्रों पे दमन नहीं सरेंगे।
ये अरेस्टिंग भी होने लगा है। देखिए अरेस्टिंग भी हो रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। तो आपके लोगों को ले जाया जा रहा है। देखिए आज जिस तरीके से मोदी सरकार छात्रों पे लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, उनका दमन कर रही है, इससे कोई भी डरने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी डरने वाला नहीं है। गिरफ्तार कर लें जो कर लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब किसी के जिंदगी का, किसी के रोजगार का सवाल है तो आदमी उसके लिए लड़ता है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन और उनके बीच में भिड़ंत हो गई है। देखिए किस तरह से छात्रों को हटाया जा रहा है, आपकी नजरों के सामने है। देखिए पकड़ा गया है कोई कोई छात्र और देखिए सब अब पीछे हो गए हैं। देखिए लोग जो हैं वहां पे आपको ट्रक में दिख रहे होंगे, अरेस्ट हुआ है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो अभी देखिए किस तरह से हटा रही है पुलिस प्रशासन। देखिए मजिस्ट्रेट खान भी मौजूद है, सिटी एसपी भी मौजूद है, सब लोग यहाँ पे मौजूद है। और जितना भी हंगामा हो, कुछ भी हो, आप देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। किस तरीके से हटाया जाए, फोर्स देखिए, एक बार फोर्स देखिए। और जो अरेस्ट हुए वहाँ पे देखिए, आपको वैन में दिख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए हटाया जा रहा है, देखिए खदेड़ दिया गया, देखिए खदेड़ दिया गया है सबको। और पहले प्यार से समझाया गया है, देखिए पुलिस प्रशासन पहले प्यार से समझाइए, नहीं मानने पर लोगों को हटाया गया है। जी हाँ, ये लोग विधानसभा जा रहे थे, अब नहीं जा पाएंगे। फोर्स देखिए, फोर्स कितनी मौजूद है यहाँ पे, आपको दिखा रहे हैं, फोर्स मौजूद है। पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो उठ के यहाँ पे आ गई थी, लेकिन जो माहौल है वो हम आपको दिखाएंगे देखिए सब लोग दौड़ रहे हैं। देखिए 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 और अभी इनको यहाँ पर रोका गया है। देखिए मजिस्ट्रेट खान है, देखिए खान सर मौजूद है, कब इनको हटा दिया गया खान सर? हाँ, हटा दिया गया, तो क्या होगा आप इनके साथ? कुछ नहीं होगा, ये लोग हट गए। देखिए सबको हटाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए सब लोग वापस जा रहे हैं, सारे लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। तो भगा दे, हम लोग विधानसभा को घेरेंगे, सरकार को केस नहीं है। जिस तरह से छात्रों को पीछे खदेड़ रही है, ये लगातार ये जो है छात्रों के साथ जिस तरह से अगली पुलिस कैंप को सेना को ठेका में करने का काम ये करती है, और पुलिस को आगे भाग रहे। जी हाँ, अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग ने चेतावनी दिया था विधानसभा की, क्या करेंगे? देखिए जो पुलिस प्रशासन जो है वो उनको भगा दी, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो अभी तैनात थे। जी हाँ, देखिए किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, एक तरह से लोग गए तो दूसरी तरफ से दोनों तरफ छात्र ही छात्र आपको दिखेंगे। ये नजारा है, पुलिस प्रशासन भगा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बवाल हो रहा है। पटना के सड़क पर ये बवाल हो रहा है, तो क्या पुलिस भगा रही तो भाग जाएंगे? नहीं, कहाँ भाग रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए किस तरह से हम लोग को रोका गया, किस तरह से हम लोग को आवाज दबाया गया, ये सरकार की पुलिस ने हम लोग को किस तरह से रगेदा। कि जेपी गोलंबर पे लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जेपी गोलंबर पे हजारों छात्र जुट गए हैं, टफली बजा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको हटा दिया गया। ये लोग वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि आज विधानसभा घेर के रहेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे। जी हाँ, तो माहौल क्या कुछ था वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।